हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 4 ट्रिक्स देखेंगे और आज मैं आपको इनविजिबल ट्रिक भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। इसको करने के लिए आपको आना है बॉक्सिंग रिंग के पास। यहाँ पे आपको इस तरीके से फ्रंट के सर के ऊपर चढ़ना है, फिर स्केटबोर्ड यूज़ करना है और ये ट्रिक आपको पता ही होगी, ये मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे अंदर आ जाओगे, इसके बाद आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि यहाँ पे वो रन करता रहे और रन करते करते उसको स्केटबोर्ड यूज़ कर लेना है। ये भी ट्रिक आपको पता ही होगी, ये भी हमने बहुत बार की है। फिर आपको चले जाना है शॉप के पास और यहाँ पे आपको वो चीज़ें बाय कर लेनी है जो आप रिंग में ले जाना चाहते हो। और आप यहाँ पर कुछ भी बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पर फायरवर्क्स वगैरह बाय कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर हैमर भी बाय कर सकते हो। और वहाँ पे फिर जो रिंग में होगा एनिमी या आपका टीममेट, उसका आप सर भी बड़ा कर सकते हो, जैसे कि आपको पता ही होगा वो भी बहुत ही फनी दिखता है। फिर तो आप यहाँ पर हैमर भी बाय कर सकते हो। सब कुछ बाय करने के बाद आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो रिंग के अंदर ज्वाइन कर ले। और जैसे ही आपका फ्रेंड यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग के अंदर ज्वाइन कर लेगा, आप यहाँ पर खुद ही आ जाओगे वापस रिंग में। और अभी आप इन चीज़ों को यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप देख ही सकते हो मैंने यहाँ पर फायरवर्क्स लगा दिए आराम से। और मैंने यहाँ पर जॉइंट डाइस भी लाया था, वो भी मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो जो भी आपने लाया होगा। और ये हार्ड भी बिल्कुल भी ट्रिक नहीं है, बहुत ही ईजी ट्रिक है, इसको कोई भी कर सकता है। बस आपको स्टेप्स अच्छे से फॉलो करनी है। अगर आपको फिर भी कोई स्टेप अच्छे से समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। और ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको आ जाना है पी के स्क्वायर हाउस पे। इसको बहुत सारे बंदे मल्टी विंडो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है इस टेबल के पास और यहाँ पे पहले आपको थोड़ी सी लूट ड्रॉप करनी है। और अगर आप यहाँ पे मिडकिट वगैरह ड्रॉप करोगे तो ये दूर से ही दिखती है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ी लूट ड्रॉप करनी है, फिर आपको चले जाना है इस विंडो के पास। यहाँ पे आपको पहले अच्छे से बैठना है और अच्छे से बैठने के बाद आपको यहाँ पे लैंडमाइन सेट करना है। अगर आपके पास 2 लैंडमाइन हो तो आप दोनों सेट कर सकते हो, बाकी आपके लैंडमाइन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, अच्छे से हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो मेरा लैंडमाइन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर आपने 2 लैंडमाइन सेट की होंगी और यहाँ पे थोड़ी सी लोड भी ड्रॉप की होगी, अगर फिर यहाँ से एनिमी आएगा उसके पास कोई भी वेस्ट हो वो यहाँ पर इजीली किल हो जाएगा। बाकी आप बाहर से भी देख ही सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा लैंडमाइन नहीं दिख रहा, अच्छे से हाइड हो चुका है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। अभी हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। और ट्रिक नंबर 3 में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर कभी एनिमी जो है सीमेंटेड हाउस में कैंप कर रहा है तो आप उसको इजीली कैसे किल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है इस तरीके से मॉन्स्टर ट्रक के साथ। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से एक ग्लोवॉल सेट करना है और एक ग्लोवॉल इस तरीके से सेट करने के बाद आपको सिंपली चढ़ना है गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जंप करना है ग्लोवॉल के ऊपर। और ग्लोवॉल पे चढ़ने के बाद आप यहाँ से भी इजीली एनिमी को किल कर सकते हो, चाहे तो अंदर जाकर भी एनिमी को किल कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा सीमेंटेड हाउस में बहुत सारे बंदे कैंप करते हैं और यहाँ पर अगर आप नीचे से आते हो तो एनिमी आपको इजीली यहाँ पर किल कर देता है। तो उस टाइम पे आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो और एनिमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा बंदा कहाँ से आया, आप पीछे से आराम से आके उसको किल कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं आज के मेन ट्रिक की ओर, जो हमारी होने वाली है इनविजिबल ट्रिक। पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये जो ऑयल बैरल है डिस्ट्रॉय हो गया। और अभी मैं यहाँ पर रिवाइव हो जाऊँगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और मेरा पैड यहाँ पर वेगर है, बाकी यहाँ पर मैकेनिकल पैड भी है जैसे कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर रिवाइव हो रहा हूँ जैसे कि आप देख ही सकते हो। और अब देखो यहाँ पर गाड़ी खुद ही चल रही है, कोई भी सामने नहीं बैठा है, ड्राइवर पूरा गायब ही हो चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं है गाड़ी के सामने, फिर भी गाड़ी आराम से यहाँ पर चल रही है जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो अभी हम करते हैं इस ट्रिक की बात। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरीके से जब प्लेन में आ जाओगे, जहाज़ में आ जाओगे, आपको यहाँ पर जंप मास्टर होना चाहिए, मतलब झंडा जो है आपके पास ही होना चाहिए। अगर आपके पास झंडा नहीं है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपको झंडा दे दे। और फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इजेक्ट पे टैप करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो स्टॉप फॉलोइंग पे टैप करे। बट ये स्टेप आपको एक साथ करना है। आप जब इजेक्ट पे टैप करोगे, अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो भी सेम टाइम पे स्टॉप फॉलोइंग पे टैप करे। और इस स्टेप को करते समय आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इजेक्ट पे टैप करोगे, अपने फ्रेंड को बोलोगे कि वो स्टॉप फॉलोइंग पे टैप करे, तो इसमें जो है एक सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आधे सेकंड, मतलब कुछ भी इसमें डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। और ये स्टेप करने के बाद आपको मैप की तरफ देखना है। अगर आपका फ्रेंड मैप पे एक ही जगह रुका हुआ है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 16 मीटर आपका फ्रेंड, तो इसका मतलब है कि ट्रिक हो चुकी है। यहाँ पर आप कहीं भी जाओ आपको 16 मीटर ही दिखाएगा, कुछ भी इसके अलावा नहीं दिखाएगा। और अभी मैं यहाँ पर कोई कट भी नहीं करूँगा, जिससे आपको थोड़ा सा भी शक ना हो कि ट्रिक फेक है। तो अभी आप देख ही सकते हो यहाँ पर गाड़ी जो है खुद ही चल रही है और अभी मैं इसमें एंटर कर लेता हूँ। दरअसल मेरा फ्रेंड यहाँ पे गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बाकी वो मुझे आराम से देख सकता है। बट मैं उसका पैर जो है आराम से देख सकता हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और इस ट्रिक का सिर्फ एक ही स्टेप है, लेकिन वो बहुत ही हार्ड है। बस एक ही स्टेप है इस ट्रिक का, लेकिन वही स्टेप बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो मैं आपको फिर से एक बार स्टेप बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर होगा तो वो दूर हो जाएगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, जब आप जहाज में आ जाओगे आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपको झंडा दे दे। अगर आपके पास झंडा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपको झंडा दे दे। फिर आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है कि इस टाइम पे मैं इजेक्ट पे टैप करूंगा, सेम टाइम पे आपका फ्रेंड स्टॉप फॉलोइंग पे टैप करेगा। बट ये स्टेप जो है आपको एक साथ करना है, इसमें एक सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक देसी जुगाड़ भी बता देता हूँ जिससे आपको ये ट्रिक करने में आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको 3-2-1 बोलना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि मैं जैसे ही 1 बोलूँ तुम स्टॉप फॉलोइंग पे टैप कर देना, और जब आप 1 बोलो उस टाइम पे आपको खुद भी इजेक्ट पे टैप करना है। तो आप बोलोगे 3-2-1, जैसे आप 1 बोलोगे आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि 1 पे वो स्टॉप फॉलोइंग पे टैप करे, आपको खुद इजेक्ट पे टैप करना है। और अभी आप यहाँ पर भी देख ही सकते हैं मेरा फ्रेंड जो है यहाँ पर आराम से लूट रहा है, और यहाँ पे लूट जो है थोड़ी थोड़ी हाइड हो रही है, मतलब गायब हो रही है, दरअसल वो मेरा फ्रेंड उठा रहा है। और यहाँ पर मेरा फ्रेंड अभी लूट को ड्रॉप करेगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो, और मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को पैड देख सकता हूँ, अपने फ्रेंड को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देख सकता। तो अगर आपको फिर भी इस ट्रिक को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ट्रिक हार्ड है या कोई स्टेप आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और मैंने ये ट्रिक दोनों फ़ोन में एक साथ की थी, मतलब दोनों फ़ोन में जो मैं एक साथ खेल रहा था खुद ही। तो अगर आपके पास दो फ़ोन है तो फिर आप इस ट्रिक को आराम से यूज़ कर सकते हो, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपके पास दो फ़ोन होंगे सामने तो आप यहाँ पे एक साथ जो है दो हाथों से दोनों फ़ोन पे एक साथ टैप करोगे तो ये ट्रिक आराम से हो जाएगी। तो बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं मेरा फ्रेंड यहाँ पर अभी मशरूम को भी खा रहा है, और यहाँ पर मशरूम भी गायब हो रहा है, और आप देख ही सकते हो मशरूम यहाँ पर गायब हो गया, वो मेरे फ्रेंड ने खा लिया, असल में गायब नहीं हुआ। तो अभी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर ग्लोवाल लगा लिए हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो मेरे पास कोई भी ग्लोवाल नहीं है, और उल्टा ग्लोवाल मैं कैसे लगा सकता हूँ। और वैसे उसकी भी एक ट्रिक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उल्टा ग्लोवाल भी लगा सकते हो, जिसने वो वीडियो देखा होगा उसको ये ट्रिक पता ही होगी। और अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पर लैंडमाइन को सेट कर रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर लैंडमाइन को सेट कर दिया है। और अब मैं चला जाता हूँ लैंडमाइन के ऊपर, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड ने सेट की है तो ये मेरे से डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और यहाँ पर भी मेरा फ्रेंड अभी मुझे रिवाइव कर रहा है, उसने ऑयल बैरल को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और इस ट्रिक का एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पे किल होती हो, मैंने सोचा अगर मैं किल होता हूँ देखता हूँ फिर मैं अपने फ्रेंड को देख पाता हूँ कि नहीं, बट जैसे ही मैं यहाँ पर किल हो गया यहाँ पर इस तरीके से 99 लाइक दिखा रहा है, मैंने खुद भी एक लाइक कर दिया लेकिन ये लाइक काउंट नहीं होते। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और वीडियो कैसा था कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।